मसाले वाला पराठा। उसके लिए हमने एक पेड़ जितना आटा ले लिया, उसका हम बना लेंगे पेड़ा। जिस तरह हम रोटी का पेड़ा बेलते हैं वैसे हम इसको बेल देंगे। ये आम गंदम का आटा है, आप चाहे तो वो वाइट आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम गंदम का आटा पसंद करते हैं, मैं वही यूज़ करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे जो उसके हम इसमें लगाएंगे देसी घी यूज़ करिए, आप चाहे तो दूसरा बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऐसे खिला देंगे। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर जितना आप खाते हैं नमक उसके हिसाब से हमने यहाँ पर नमक लिया, लिट्टी का नमक स्प्रिंकल कर दिया सारे आपका जो पेड़ा है। इसके बाद हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स लेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है, वो इसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो इसके साथ हरी मिर्च भी कर सकते हैं यूज़। मैं जरा अजवाइन निकालती हूँ, अजवाइन डालें, और आजकल जैसे है अजवाइन में फुल ऑफ हेल्दी बेनिफिट्स होती है, ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, टेस्ट आएगा अजवाइन का भी। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे हम एक इसको ऐसे किया और ऐसे डबल फोल्ड, ठीक है, उतना ही घी उठाया और इसको ऐसे डबल फोल्ड, फिर इसके बाद इसको ऐसे में और ये डबल फोल्ड, और फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, फिर हम इसको रोल करेंगे जैसे हम आम पराठे रोल करते हैं ऐसे। ये भी हमारा एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके ऊपर हम खूबसूरती के लिए इसके ऊपर धनिया भी रख कर सकते हैं, ग्रीन अगर आपको चाहिए थोड़ी सी डिजाइन हो, ठीक है। हमारा पेड़ा तो रेडी हो गया, अब हम थोड़ा सा कुछ काटा लेंगे इसको, पहले हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा हिला देंगे, क्योंकि तो मसाला लगा हुआ है, वो मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा मैंने तेल का पैन जिसको तवा भी कहते हैं वो मैंने कुछ कुकर डाला हुआ था, और नीचे फ्लेम भी है, देखें फ्लेम मेरा लो है, आप रोटी के जितना फ्लेम कर सकते हैं इसको, ताकि क्वालिटी चूल्हा गर्म है, देसी घी से हम तैयार कर रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, अब ये देखें हल्का हल्का सा जैसे पराठे या रोटी की तरह ये हो रहा है, यहाँ से ये देखें पक रहा है ना, इसी तरह इसको पकने दे थोड़ा सा, अंदर से रेडी होने दे। तो इस साइड से अजवाइन जो है बहुत उसकी बेनिफिट्स हैं, हेल्दी है, हर्बल जो मसाले होते हैं उसमें आ जाती है, और ये दोपहर में आप दही के साथ खाएं, दोपहर में इसको ज़्यादा मज़ा आएगा, या संडे में जब ब्रंच टाइम होता है, लाइक आप इसको ब्रंच के चाय के साथ लें, दही के साथ लें,
थोड़ा सा हम इसको भी जैसे और करवाते हैं, थोड़ा सा फ्लेम हम ज़्यादा कर रहे हैं जैसे कि हम रोटी में करते ताकि जल्दी तैयार हो। अब आप देखें ये साइडों से आप देखें कि ये लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसमें चूँकि देसी घी हमने अंदर भी लगाया है, ये देसी घी का ही हम ऊपर इस्तेमाल करें, देसी घी से हम इसको बनाएंगे, दोपहर में खाएं और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चों में जो है आजकल हमारे बच्चों की डाइट अच्छी नहीं है, बस उनको दें पिज़्ज़ा दें। कि मैं इसके अब स्पैचुला की जगह मैं अपने चिमटे का टिपिकल चिमटा इस ये देखिए, अब हमें साइड चेंज की ये देखें आपको अभी से ये इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लच्छे आपको आ जाए नज़र आ रहे हैं, मसालेदार लच्छा पराठा हमारा तकरीबन अबाउट टू रेडी। ऊपर आप इतना ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि हमें दरमियान में भी लगाया हुआ है, फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, हमारे बच्चे तो पहले से नहीं खाते, फिर हैवी देकर तो वो और भी ज़्यादा मुँह चढ़ाएंगे कि ये क्या बना के लें। बड़े तरीके से खाना पड़ता है बच्चों को हैवी फूड, आपके साथ वो भी टिप्स शेयर की जाएंगी थोड़ी बना बना के, तो कैसे बच्चों के साथ बच्चों को क्या। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे खाएँ हेल्दी फूड, और मैंने तो उनके लिए शामियाँ बना के रखी होती हैं, कभी अगर उनको जो पसंद है, जैसे कि हालांकि मैं बिलीव नहीं करती कि उनको मैदा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊँ, जो हम फ्लोर हम जिसको कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन चले एक टाइम में बच्चों को दे दिया जाए बर्गर में या ब्रेड में सैंडविचेस बना के घर में। ये देखिए ऊपर से शेप देखें, आप इसको अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, आप ये जी हमारा रेडी हो जाएंगे। अब आप इसके लच्छे चेक करेंगे नजर आए आप यहाँ से, ठीक है, ये बहुत अच्छा खाने में होगा। आप ट्राई करें इसको घर में और फिर हमें ज़रूर फीडबैक दें कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच।